गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेहद ही समसामयिक, बेहद ही इम्पॉर्टेंट और एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब कहीं ना कहीं संबंधित हैं। हमारे पे डायरेक्टली इन सब चीज़ों का असर पड़ता है, वैसा टॉपिक है आज का, टॉक्सिक फायर क्रैकर्स। द हिंदू ने इस पे, आपको पता होगा द हिंदू का एक कॉलम होता है संडे को, FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक बड़ा सा आर्टिकल था, तो उसी आर्टिकल के आधार पर आप लोगों से टॉक्सिक फायर क्रैकर्स इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अभी अब दिवाली और बाकी सब, दिवाली खास करके आने वाली है, तो दिवाली को लेकर के ये रहता है कि दिवाली में इतने पटाखे फोड़े जाते हैं, खास करके दिल्ली में, कि पूरा वायु जो है वो एकदम से प्रदूषित हो जाता है, वायु प्रदूषण बहुत बड़े स्तर पर होता है, तो आर्टिकल भी उस पर आने लगते हैं, सीजनल आर्टिकल हैं, तो इन आर्टिकल्स को हमें देखना है और इसमें एग्ज़ाम के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उन सब चीज़ों को देख लेंगे। सोनू, अरविंद, विशाल, ऋतु, विश्वकर्मा, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये हमारा कल का आर्टिकल था, कल का नहीं, संडे का ये आर्टिकल था और ये बहुत विस्तारित आर्टिकल है, इसलिए आर्टिकल आपको दिखेगा नहीं स्पष्ट, आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन बस ये समझ लो कि इसी आर्टिकल के आधार पे मैं आपके साथ टॉक्सिक फायर क्रैकर्स इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बार UPSC का 2020 का जो रिजल्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, टॉप कितने रैंक हैं, और टॉप 20 में 7 रैंक्स, टॉप 50 में 15, और टॉप जो ओवरऑल रिजल्ट है उसमें 169 से ज़्यादा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से हैं। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी, मेरा इंट्रोडक्शन, और अभी अनअकैडमी प्लस पर एजुकेटर हूँ, तो आपको YouTube पे क्लासेस, इसके अलावा स्पेशल क्लास, और इसके अलावा प्लस पर मेरा क्लास रहता है। अगर आप प्लस पे ज्वाइन करते हैं तो मुझसे आपको विभिन्न विषयों को पढ़ने का मौका मिलेगा। bhanupyare_unacademy ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो भी YouTube का क्लास है उसका PDF आपको यहाँ मिल जाता है, साथ ही साथ अन्य क्लास की जानकारी भी आपको यहाँ मिलती है। BHP10 यह मेरा रेफरल कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। टॉपिक हमारा है फायर क्रैकर्स, टॉक्सिक फायर क्रैकर्स, यानी पटाखे जो हैं ये किस तरह से टॉक्सिक हैं, किस तरह से हमारे वायु में जहर घोल देते हैं, इस पर हैं। अब इसको विस्तारपूर्वक देखेंगे, लेकिन ऐसे लमसम अगर पहले हम बिना इस टॉपिक पर अंदर जाए हम ऐसे अगर बात करें तो भारत में बहुत सारे ऐसे ऑकेजन होते हैं जिसमें हम लोग खूब फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऑकेजन जो है दिवाली होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली ही, अन्य धर्मों के, अन्य पंथों के, अन्य संप्रदायों के भी बहुत सारे ऐसे पर्व त्यौहार होते हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जो जम के पटाखेबाजी की जाती है, आतिशबाजी की जाती है, जम के की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा एक अनुभव होता है कि दिवाली पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दिया जाता है, क्योंकि दिवाली में ऑब्वियसली होता भी है बहुत ज़्यादा, दिवाली में दिल्ली में खास करके तो ये स्थिति रहती है कि आप थोड़ा सा भी अपने सांस को लेकर संवेदनशील हैं, ठीक है, या सांस संबंधी कोई बीमारी है तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, मतलब दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाता है, ये मेरा अपना अनुभव भी है। तो इस टाइम में फिर वायु जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, वायु का स्तर जो है बहुत ही खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, ठीक है। तो टॉक्सिक फायर क्रैकर्स रियल में टॉक्सिक हैं ये फायर क्रैकर्स, ठीक है, लेकिन अन्य जो उपयोग है, अन्य जगहों पे जो फायर क्रैकर्स का उपयोग है, अन्य पर्व त्योहारों पे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उन सब पर भी लगाम लगाए जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो कुछ बहुत ही नॉर्मल एक मॉडर्न माने जाते हैं कुछ अवसर, जैसे मान लो कि फर्स्ट जैन, उस समय भी बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर फायर क्रैकर्स का यूज़ बंद करवाना है तो सिर्फ दिवाली के टाइम में इस तरह के आर्टिकल और दिवाली के टाइम में सिर्फ बातें ना हो, बल्कि ओवरऑल हमें 100% बंद कर देना चाहिए फायर क्रैकर्स, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति का फायर क्रैकर्स में कहीं कोई उल्लेख नहीं है,
ये तो आजकल करने लगे हैं और कंपनियों की सहायता से इसको खूब बेचा गया, खूब प्रचारित किया गया, ग्लैमराइज कर दिया गया। अब जब उसके कारण वायु प्रदूषित हो रहा है, उसके कारण समस्याएं हो रही हैं, तो उस पर सभी संस्थाएं, चाहे वो कोर्ट हो या फिर सरकारें हो, ठीक है, उस पर एक्टिव हो रही हैं। कायदे से ये होना चाहिए कि फायर क्रैकर्स पे 100% प्रतिबंध होना चाहिए सरकार की तरफ से, और थोड़ा बहुत नहीं, 100% प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही साथ नागरिकों को अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर फायर क्रैकर से एकदम से दूरी बना के रखनी चाहिए, एकदम से दूरी बना के। अगर आपको दिवाली मनाना है तो दिवाली मनाने का जो जो विधिवत तरीका है उसको आप अपनाइए। आपको पता है कि जैसे हम लोग जो दिया जलाते हैं, किस चीज़ का दिया जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, या फिर सरसों के तेल का भी दिया कुछ लोग जलाते हैं कहीं कहीं, इसका क्या अर्थ है? कई बार हमें ये लगता है कि घी का दिया जलाया तो वो लाइट के लिए जलाया। देखो, घी का जो दिया जलाया जा रहा है वो सिर्फ लाइट के लिए नहीं जलाया जा रहा है, या फिर जो सरसों तेल का दिया जलाया जा रहा है वो सिर्फ लाइट के लिए नहीं जलाया जा रहा, उसके पीछे पूरा साइंटिफिक लॉजिक है। हम लोग क्या करते हैं कि कैंडल्स जलाते हैं, या तो आप फायर क्रैकर्स का यूज़ करें या फिर कैंडल्स का यूज़ करें, ये सब बहुत नुकसानदेह है। आपको लगता है उसे लाइट के लिए, लाइट के लिए नहीं, एक्चुअली कोई भी चीज़ जब जलता है, बिल्कुल रोहित, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूँ, उस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। जैसे आप कोई भी चीज़ जब जलाते हो तो क्या होता है, कोई भी चीज़ जलाए तो क्या होगा, एक मान लो कि प्लास्टिक तुमने जलाया तो क्या होगा, वो प्लास्टिक जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाएगा। पदार्थ नॉर्मली तीन तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जैसे ही हम किसी चीज़ को जलाते हैं, ठोस पदार्थ है वो गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट होगा। प्लास्टिक को आपने जलाया, प्लास्टिक क्या होगा, गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह से जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो मोमबत्ती भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। लाइट तो होगा ही होगा, लेकिन लाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तत्व जिससे वो बना है, मोमबत्ती है, है ना। तो कैंडल मतलब मोमबत्ती, मतलब मोम से बना है। वो मोम जो है वो क्या होगा, पूरे वातावरण में फैल जाएगा। और बताइए, वो पेट्रोलियम पदार्थ है, वो पूरे वातावरण में फैला मोमबत्ती जलाने के बाद, तो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा या फायदा पहुंचाएगा, बताइए बताइए। अगर आपने मोमबत्ती को जलाया तो मोम चारों तरफ फैल गया, वो पेट्रोलियम पदार्थ है, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है या फायदा पहुंचा रहा है? नो डाउट आपको बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कैंडल्स जो लाते हो, लाल, हरा, पीला, एकदम तरह तरह का कैंडल ले आए, एक कैंडल का पैकेट से काम नहीं चलेगा, 50 कैंडल का पैकेट ले आते हैं, खूब जला दिए, पड़ोसी ने भी जलाया, उसने भी जलाया, उसने भी जलाया, सब लोगों ने उस समय कैंडल्स जलाया, तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है पूरे वातावरण में क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फैल जाएगा। लेकिन हमें तो पता नहीं है, हमारी बुद्धि जो है खराब हो गई है, हमें समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। खैर, अब बताता हूँ कि जब हम, अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि किरोसिन तेल होता है, मिट्टी, मिट्टी का तेल उसको कुछ लोग गांव में बोलते हैं, तो किरोसिन तेल का दिया जला दिए, एक रात भर रहेगा, और इतने बड़े बड़े गाँव में मैंने देखा है कि वो सीसी होती है उसमें भर दिए और उसमें दिया है, पूरा रात भर जला दिए, भाई उसका जो है 2 घंटे चलेगा, मेरा जो है 10 घंटे चलेगा, वो महा बेवकूफ़ी है। तो वो भी है, उसमें भी किरोसिन तेल जो है वो जल के पूरे वातावरण में फैला। किरोसिन तेल के पास आप 10 मिनट रह जाओ, आपके मतलब कार्बन आपके अंदर जाएगा और आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, ये तो अभी के तरीके हुए, जो गरीब व्यक्ति हैं वो जो है दिया जला देते हैं उसका, किरोसिन तेल का, जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं वो मोमबत्ती जला देते हैं। अब इसमें हम अपने भारतीय परम्परा पर आते हैं। भारतीय परम्परा में क्या किया जाता था, सरसों के तेल का दिया जलाया जाता था। आपको पता है मैंने प्रयोग किया था, पिछले बार दिवाली थी और मैं फायर क्रैकर्स बिल्कुल नहीं जलाता, दिए जलाता हूँ, तो मैंने यही कुछ घी के दिए और कुछ सरसों तेल के दिए तैयार करवाए थे। उसके बाद मैंने देखा कि अगर सरसों तेल का दिया मैंने जला दिया, कई सारा दिया जलाया, यज्ञ भी किया, बाहर का जितना भी प्रदूषण आ रहा था फायर क्रैकर्स के कारण जो धुएँ बने हुए थे वो एकदम से समित हो गया, दमित हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, पहले से जानता तो था लेकिन और मुझे आश्चर्य लगा कि सिर्फ सरसों के तेल का जो दिया है वो वातावरण को शुद्ध कर रहा है, घी का जो दिया है वातावरण को शुद्ध कर रहा है। ये तब है जब बाहर में खूब लोग फायर क्रैकर्स कर रहे हैं, मैंने अपने घर को बचा लिया। अब समझो कि बाहर के जितने भी लोग हैं वो भी अगर सही दिया जलाने लगे तब क्या होगा, पूरे वातावरण की शुद्धि सिर्फ दिवाली के टाइम में हो सकती है। और दिवाली का जो पर्व है वो है भी साफ सफाई का पर्व, तो एक तो फिजिकली हम साफ सफाई करते हैं और एक और गहराई से साफ सफाई करते हैं जब हम दियों को जलाते हैं, तो पूरा वातावरण, पूरा गांव, पूरा शहर वो स्वच्छ हो जाना चाहिए। लेकिन हम महान लोग क्या करते हैं कि उस दिन विशेष रूप से पूरे गांव को, पूरे शहर को गंदा करते हैं,
पूरे वायु को हम प्रदूषित करते हैं। वायु शक्ति का सोर्स है, अगर आपने वायु पे कमांड कर लिया तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान, तो पवन पुत्र हनुमान का मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी के पापा का नाम पवन था, वायु पे उन्होंने कमांड कर लिया था, वायु पुत्र पवन पुत्र। ठीक है, कैसे कमांड होगा, जब वायु आपकी साफ होगी, प्राणायाम करोगे या वायु साफ होगी तब, लेकिन वायु को ही प्रदूषित हम कर दे रहे हैं। खैर, उसी तरह से घी का जब दिया आप जलाते हैं, और घी जो है वास्तव में देसी घी है, तो वो घी का जो अणु है मतलब छोटे छोटे कण में घी कन्वर्ट होगा और पूरे वातावरण में फैल जाएगा, जितनी भी गंदगियां हैं सूक्ष्म स्तर पे सबको साफ कर दिया। तो चाहे तो घी का दिया हो या फिर सरसों तेल का दिया हो, यह हमारे संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने बताया है, हम भूल गए और हम कंपनियों के बहकावे में आ गए, आधुनिकता के बहकावे में आ गए, और हमारा जितना भी पर्व त्यौहार है उसमें और हम जो है चीज़ों को गंदा कर देते हैं। जबकि जितने भी पर्व त्यौहार हैं उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, सरकारों को, एनजीओज को, व्यक्तिगत स्तर पे रिसर्च करके उसको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस बार का जो दिवाली होगा वो वास्तव में दिवाली ही होना चाहिए, वो कैंडल वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैंडल नहीं होना चाहिए उसमें, दिया उसमें होना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी सरसों तेल का होना चाहिए या फिर घी का होना चाहिए, और घी भी कौन सा, जो देसी गाय के, गाय का जो दूध हो, मतलब घी जो होता है वो थोड़ा महंगा मिलता है, दो लगभग 2,500-2,500 रुपये किलो तक मिल जाता है, कई बार 1,000-1,200 रुपये भी मिल जाता है, वो दिया होना चाहिए। ठीक है, तो उससे आप देखोगे कि चीज़ें बहुत ही अच्छी हो गई। खैर, कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, अगर हम किसी त्यौहार को मनाते हैं तो वास्तव में अपनी संस्कृति को ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो संस्कृति पर विश्वास भी रखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस ढो रहे हैं और आधुनिक चीज़ों को उसमें मिला दिए, गड़बड़ी हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। खैर, यहाँ हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज टॉक्सिक फायर क्रैकर्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फायर क्रैकर्स जो हैं हमारे वातावरण को कितना नुकसान पहुँचाते हैं, देखते हैं कितना और नुकसान पहुँचाते हैं। रोहित, बहुत सुंदर, मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो लगातार मुझे सुन रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक पक्षों को संपूर्णता से नहीं तो कुछ कुछ तो जरूर समझ गए होंगे। इनफैक्ट भारतीय संस्कृति इतनी महान और इतनी बड़ी है कि मैं भी आज तक भारतीय संस्कृति का जो वैज्ञानिक पक्ष है सभी पक्षों को आज भी मैं नहीं समझ पाया हूँ, उस पर रिसर्च ही कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट भी ऐसा ही करें, चूँकि वो समाज के लीडर हैं, वो जो कुछ भी करेंगे समाज पर उसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट असर पड़ेगा, सभी चीज़ को एकदम वैज्ञानिक तरीके से करें, वो शानदार होगा। तो चलिए यहाँ आते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ अभी ये है कि 29 सितंबर को, एकदम हाल फिलहाल अभी 2021, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, अपना एक फैसला सुनाया कि 6 बड़े जो फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर बैन लगाया गया। ठीक है ना, और ये क्या किए हैं कि ये जो ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2018 का था, जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स पे बैन लगाया और ग्रीन फायर क्रैकर्स को अनुमति दी। वैसे ग्रीन फायर क्रैकर भी वही होते हैं लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी मतलब बताया जाता है ऐसा, लेकिन फिर भी जो भी फायर क्रैकर हो मैं तो उसका विरोध करूंगा हमेशा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ग्रीन फायर क्रैकर्स को कुछ हद तक अनुमति दी और उसके अलावा जो नॉर्मल फायर क्रैकर्स हैं उस पर प्रतिबंध लगाया। अभी जो मामला 29 सितंबर को हुआ उसमें ये माना गया कि जो भी ये फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने एक केमिकल बेरियम साल्ट का जो लिमिट था, लिमिट से ज़्यादा जो है उसका उपयोग किया। ठीक है ना, वायलेट ऑर्डर रिक्वायरिंग दैम आउट ऑफ यूज प्रोहिबिटेड केमिकल, इस केमिकल का यूज़ किया गया जबकि इस केमिकल के यूज़ पे प्रतिबंध लगाया गया था, एंड लेवल द फायर क्रैकर्स इन कंप्लायंस विद द लॉ। तो इस तरह से अभी का जो ऑर्डर आया था मुख्य रूप से ये आया था कि जो फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने 2018 का जो कानून था उसका उल्लंघन किया, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ फैसला अपना दिया है। इन अ वार्निंग टू द मैन्युफैक्चरर्स द कोर्ट फेल्ट दैट इट हैड टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स बिकॉज सो मच ऑफ इट वॉज बींग ब्रश्ड, द पीपल कुड नॉट बी अलाउड टू सफर एंड डाई फ्रॉम पॉल्यूशन। अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा मतलब इनको जलाने की अनुमति देते हैं या फिर तो पीपल जो है वो पॉल्यूशन से मर जाएंगे और इसकी अनुमति दी नहीं जा सकती है। इवन इन्वायरमेंट मिनिस्टर को भी ऑर्डर इस मामले में दिया गया कि इसकी सीबीआई जाँच ढंग से की जाए। ज्यादा धुआं निकलेगा रोहित वत्स, बिल्कुल ये सही बात है। ग्रीन फायर क्रैकर्स भी वही होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, बस ये अब इसमें क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहता है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या सरकारों की तरफ से होता है, तो इसका डायरेक्टली विरोध करूंगा तो एक अलग तरह का बात हो जाएगा। लेकिन एक बात है
कि सरकारें चाहे कुछ भी करें, कोर्ट चाहे कुछ भी करें, हमें 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 हमेशा अपनी संस्कृति में जो चीज़ें हैं रेफरेंस के रूप में उसको उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, ठीक है ना। कई बार हमें लगता है कि हम आगे जो बढ़ रहे हैं ना वो और विकास कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। कायदे से ये देखा जाए कि जैसे जैसे आप पीछे जाओगे जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो और उतनी बेहतरीन फॉर्म में आपको दिखेगी, ठीक है। हमारी स्थिति खराब हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, तो हमें पीछे देखना चाहिए तभी हम जो है बच पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जनवरी 2018 का जो फैसला था वो क्या था उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स पे पूरी तरह से बैन लगाया था और ऑर्डर अपना कुछ दिया था और ग्रीन क्रैकर्स को जो है अनुमति दी थी। एग्जैक्टली ये क्या है ग्रीन क्रैकर्स उसको भी हम अभी देखेंगे। और लेटेस्ट ऑर्डर इन कंटिन्यूएशन ऑफ अदर्स रिलेटेड टू, अब ये एक केस है, इस केस को आप एग्जाम के लिहाज से ध्यान में रखना कि कुछ बच्चों के ब्याह पर एक पिटीशन दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, अर्जुन गोपाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये कुछ बच्चों के ब्याह पे 2015 में ये एक पिटीशन दायर किया गया था जिसको कहा गया है अर्जुन गोपाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और इन बच्चों के तरफ से ये पिटीशन जो दायर किया गया था वो राइट टू क्लीन एयर अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार की बात करता है, लेकिन अगर शुद्ध हवा ही नहीं रहेगी तो कैसे हो पाएगा, शुद्ध हवा ही अगर नहीं रहेगी तो जीवन कैसे बच पाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह पिटीशन दायर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है लगभग इसी संदर्भ में है। कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी है फायर क्रैकर्स यूज फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर्स टू प्रोड्यूस कंबशन रिएक्शन। ये जो ज्वलनशील मतलब जो आप देखते हैं कि जलता है फटता है ये सब कैसे होता है, उसमें फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीडाइजर के रूप में बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, ठीक है, और इस कारण से ये फटता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली में 2016 में एक सर्वे किया था, उस सर्वे में पता चला कि इन सब पदार्थों का जिसका इस्तेमाल फायर क्रैकर्स को बनाने में किया जाता है, एल्युमिनियम, बेरियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन और स्ट्रोंटियम, इन सब का स्तर दिवाली के टाइम में विशेष रूप से बढ़ जाता है और ये सब टॉक्सिक हैं और ये सब जो है सो नुकसान पहुंचाते हैं। पॉल्यूशन फ्रॉम फायर क्रैकर्स अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल, निश्चित तौर पर हमारा जो हेल्थ है उसको खराब नहीं करता है, बर्बाद करके रख देता है। मैंने बताया ना कि हवा ही शक्ति का सोर्स है, अगर तुम्हारे पास हवा ठीक से नहीं है तो फिर हर एक चीज़ बेकार है, बात समझ रहे हो। अगर तुम्हारे पास शुद्ध हवा नहीं है तो कभी भी असंभव है वो चीज़ कि तुम शक्तिशाली बन पाओगे या तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा, हो ही नहीं सकता है। लोग सोचते हैं कि हवा खराब है तो सांस संबंधी बीमारी होगी, दुनिया का कोई ऐसी बीमारी बचेगी नहीं जो आपको ना हो। तो हवा एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। एक्चुअली जो जितने भी 5 तत्व हैं, 5ों तत्व बहुत ज़रूरी हैं, हवा उसमें एकदम से प्राइमरी है, एकदम से बेसिक है। हवा और पानी में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हवा, पानी के बिना तो कुछ देर तक रह सकते, हवा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तो 5 तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वह हवा है, वायु है, और वायु प्रदूषण अगर होगा तो ऑब्वियसली पीपल और एनिमल जो है इनके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इस तरह के फायर क्रैकर जो ऑलरेडी इंडियन सिटीज के जो एयर क्वालिटी है वो खराब है, उसको और खराब कर देता है। इट हैज़ रिजल्टेड इन लिटिगेशन कॉलिंग फॉर टोटल बैन, और इस तरह की बातें वो कहीं ना कहीं फायर क्रैकर्स पर टोटल बैन की वकालत करते हैं या फिर उसको प्रोत्साहित करते हैं। द कोर्ट ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ केमिकल्स यूज्ड एज वेल एज देयर वॉल्यूम। अब कोर्ट ने वही किया था कि कुछ केमिकल्स पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, उनके मात्रा में कमी की बात की थी, साथ ही साथ जो साउंड होता है, ठीक है, जो साउंड निकलता है वो भी तो ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर भी प्रतिबंध की जरूरत है। कई बार तो ऐसे ऐसे पटाखे फूटते हैं दिमाग खराब हो जाता है, क्यों फोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो यही बात हो गई ना कि मुझे कई बार लगता है कि आदमी अपने 200 रुपये का नोट लिया, 200 रुपये का नोट लिया, उसके अंदर बारूद भरा और उसको ऐसे जला दिया, है ना, वही तो कर रहे हैं। एक्चुअली 200 रुपये के नोट को नहीं जला रहे हैं, कायदे से 200 रुपये का जाके पटाखा खरीदे, उसको जला दिया, फोड़ दिया, खुश हो गया और एक मजा आ गया। तो क्यों मजा आ गया, पता नहीं क्यों मजा आ जाता है लोगों को। तो मानसिकता लोगों की थोड़ी सी ढीली हो गई है, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या जो है हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे भाई दूसरे को दान उस दिन ना करो, 200 रुपये का कुछ बढ़िया सा मिठाई ले आओ, वही खा लो, खूब खा लो, खाते खाते एकदम से हालत खराब हो जाए ऐसा कर लो, लेकिन नहीं करेंगे, फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई फोड़ रहा है, वो भी फोड़ रहा है, सब फोड़ रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, वो कर रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सामान्य लॉजिक जब हम लगाएंगे ना तब हमारा जो है दिमाग सही सही काम करेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ में चीजें आने लगेंगी, ठीक है ना। तो वो समझ हमें बनानी चाहिए एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते।
अब ये ग्रीन क्रैकर्स, इनकी बारी आती है। ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं? एग्जाम के लिए तो खैर हम याद रखना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में ग्रीन क्रैकर्स क्या रियल में समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार? अच्छा एक बात बताओ कि अगर ग्रीन क्रैकर्स बने ना होते, ग्रीन क्रैकर्स का आविष्कार ना हुआ होता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बोलती? शायद नहीं बोलती। तो कहने का मतलब ग्रीन क्रैकर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक आविष्कार नहीं है, खोज नहीं है, ग्रीन क्रैकर्स का आविष्कार हो चुका है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बात समझ पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो? कोई भी प्रोडक्ट जब बन गया उस प्रोडक्ट की खूबी जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी गई, अब कोर्ट ने उस पर रिसर्च तो उतना किया नहीं होगा, है ना? प्रोडक्ट बन गए या प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में है तब जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगा देगी। लेकिन क्रैकर्स का उपयोग अभी तक किया जाता था, कोर्ट ने अभी तक क्यों नहीं बैन लगाया उस पर? क्या अभी तक वो नुकसानदेह नहीं थे? तो नुकसानदेह थे, फिर भी कोर्ट्स ने उसको अनुमति दी, सरकारों ने उसको अनुमति दी। उसी तरह से ग्रीन क्रैकर्स जो है इसकी अनुमति अभी तो दी जा रही है, लेकिन भविष्य में इसके बारे में पता चलेगा ये भी नुकसानदेह है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सेज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च थ्रू इट्स नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च, इसको याद रखना, नीरी को याद रखना। CSIR का एक संस्था है, नीरी नागपुर में है, नीरी नागपुर में, कितना अच्छा बात है। नीरी, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च। इसने यही ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बताया और इसने कहा कि ग्रीन क्रैकर्स बनाएंगे, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये ग्रीन क्रैकर्स क्या करेगा, रेड्यूस्ड एमिजन लाइट एंड साउंड, ये जो लाइट बहुत ज़्यादा जो निकलता है उसको थोड़ा सा कम करेगा, साउंड जो बहुत ज़्यादा निकलता है उसको बहुत ज़्यादा कम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से एंड 30% लेस पार्टिकुलेटेड मैटर, और जो धुआं या छोटे कण जो निकलते हैं, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और एज ऑक्सीडेंट्स का, क्योंकि कोई भी चीज़ जो जलता है ना तो उसको ऑक्सीडेंट्स चाहिए, तो ऑक्सीडेंट के रूप में जो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया तो उसको भी कम किया जाएगा, ठीक है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाएगा, इस कारण से जो पार्टिकुलेटेड मैटर है वो भी कम हो पाएगा। दीज क्रैकर्स आर नेम, अब इन क्रैकर्स का नाम क्या है उस नाम को देख लो। एक है सेफ वाटर रिलीजर, एक ग्रीन क्रैकर्स का नाम क्या है भाई, देखो ये क्या है, ये ग्रीन क्रैकर्स का नाम है, इसको याद रखना। हाँ, सरकार ने ये कहा है कि उसको मुहर लगाने वगैरह से पहले जांच लिया जाएगा, सब कुछ सरकारों ने कहा है, बावजूद ग्रीन क्रैकर्स भी उतना ही नुकसानदेह होंगे, इस बात को ध्यान में रखना। देखो, सेफ वाटर रिलीजर को इसको कहते हैं श्वास, SWAS, याद रखना। ये क्या है, ये ग्रीन क्रैकर का नाम है, विच मिनिमाइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर यूज। तो पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का यूज जो पटाखों में किया जाता है उसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, ठीक है। और सेफ वाटर रिलीजर है, इसमें एक्चुअली किया क्या जाता है कि पटाखा जलाया, अब वो फूटने वाला है, कण उसका बिखरेगा, उसमें कुछ वाटर का भी, वाटर वेपर उससे निकलता है, वाटर वेपर उन कणों को थोड़ा दमित कर देता है, ऐसा कुछ है। बट मैचेज द साउंड इंटेंसिटी ऑफ द कन्वेंशनल क्रैकर्स। तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का तो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन साउंड जो है वो नॉर्मल पटाखों के तरह ही होता है। एक दूसरा पटाखा है, इसको कहते हैं सेफ मिनिमल एल्युमिनियम, सेफ मिनिमल एल्युमिनियम, तो इसको कहेंगे सेफ मिनिमम एल्युमिनियम को कहेंगे सफल। ये सब नाम है फायर क्रैकर्स का, ये एल्युमिनियम का यूज जो है वो कम कर देता है, ठीक है, और इस तरह की बातें। इसके अलावा एक दूसरा है, ये है सेफ थर्मिट क्रैकर्स, सेफ थर्मिट क्रैकर्स, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टार्ट, STAT स्टार्ट। तो ये तीन जो है आपका ग्रीन क्रैकर्स हो गया, श्वास, सफल और स्टार्ट, ठीक है, ये तीन है। ये मतलब बता रहे हैं इसमें कि साउंड कम होगा, लाइट कम होगा, और जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो नुकसानदेह हैं कुछ केमिकल्स का, वो कम हो जाएंगे। दीज क्रैकर्स आर टू बी आइडेंटिफाइड। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, इसमें QR कोड होगा, ठीक है, तो QR कोड से कंज्यूमर जो है उसको पता चल जाएगा ये सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पेट्रोलियम और एक्सप्लोजिव सेफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको सर्टिफाई करे, ठीक है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको सर्टिफाई करे और इस तरह के जो फायर क्रैकर्स हैं उस पर अपना अनुमति लगाए, मुहर वगैरह लगाए, ठीक है। तो आई होप इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। मैं एक बार फिर से इस टॉपिक पे एक बार मैं आपको रिपीट करवा दूँ कि एग्जैक्टली ये मामला क्या था।
टॉक्सिक फायर क्रैकर्स, अभी दिवाली फिर से आने वाला और दिवाली के कारण ये टॉपिक फिर से चर्चा में आ गया है कि फायर क्रैकर्स का कितना उपयोग करना चाहिए, फायर क्रैकर्स का जो विकल्प है वो ठीक है कि नहीं है। इस पे द हिंदू ने संडे को एक विस्तारित आर्टिकल छापा था, उसी के आधार पे आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये न्यूज़ जो है ये 29 सितंबर 2021 का एक न्यूज़ था, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कुछ मेजर फायर क्रैकर जो 6 मेजर फायर क्रैकर्स हैं उस पर ये पता लगा कि वो ऑर्डर्स जो 2018 का था उसका उल्लंघन कर रहे हैं, बेरियम साल्ट इसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब इस पर सीबीआई को भी कुछ ऑर्डर दिया गया है, लेकिन हमारा जो मेन न्यूज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 2018 से। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स पे टोटल बैन की बात की थी और साथ ही साथ ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया था, और इसको लेकर के एक और मतलब केस है, दैट इज अर्जुन गोपाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस। ये 2015 का केस है, आर्टिकल 21 यानी राइट टू क्लीन एयर के अंतर्गत ये पिटीशन दायर किया गया था। लगभग इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का अपना ऑर्डर दिया था। कंट्रोवर्सी ये है कि इन फायर क्रैकर्स में जो इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम, बेरियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, स्टेंटियम, ये सब जो है नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इन सब का स्तर दिवाली के टाइम में बढ़ जाता है। इसको लेकर के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल रिकॉर्ड कंट्रोल बोर्ड का अपना स्टडी भी है और हम लोग का अपना भी एक समझ तो होता ही है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनका नाम देख लेते हो, ग्रीन क्रैकर्स को बनाया किसने है, तो CSIR नीरी ने बनाया है ये भारत में, लेकिन चीन से इस तरह के बहुत सारे ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से एक अलग चीज़ में मतलब आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, ये जो बात होती है ना वही बात है। हमें टोटल बैन करना चाहिए पहली बात, तो फिर दूसरी बात है ये सरकार के स्तर पे, दूसरी बात ये है कि हम सब लोगों को, हम अगर मान लो कि फायर क्रैकर्स नहीं जलाएंगे तो क्या जरूर कुछ नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य बचेगा और सबसे बड़ी तो हमारा पैसा बचेगा। बहुत ही मेहनत से हमारे पेरेंट्स जो हैं उस पैसे को कमाते हैं या हम खुद उस पैसे को कमाते हैं, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे को ना दे सके तो कम से कम अपनी भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करें, अपने स्वास्थ्य के लिए उसका इस्तेमाल करें। और खर्च करने के लिए बहुत चीज़ है, अगर तुम सामान्य भोजन करते हो तो तुम ऑर्गेनिक फूड्स करोगे, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो, लेकिन अनावश्यक खर्च करने से हमें बचना चाहिए। खैर, CSIR नीरी ने जो है इस पर काम किया है और यहाँ आप नाम देख सकते हैं, श्वास, स्टार्ट और सफल, ये तीन जो है फायर क्रैकर्स, ग्रीन फायर क्रैकर्स के एग्जाम्पल हैं। ये जो है नॉर्मल फायर क्रैकर्स की तुलना में पर्यावरण हितौषी होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। अब अनअकैडमी के बारे में कुछ पॉइंट को बताऊंगा, आपके पास अगर सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। आइकनिक और प्लस ये दो अलग अलग कोर्स हैं अनअकैडमी के, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं और अनअकैडमी पे यूट्यूब क्लास, स्पेशल क्लास, ये दोनों तो फ्री क्लासेस हैं। लेकिन इसके अलावा आप अगर सिस्टमैटिक ढंग से यूपीएससी या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए विकल्प आ जाता है आपके पास प्लस कोर्स या फिर आइकनिक कोर्स। प्लस कोर्स के अंतर्गत आप लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज में आप आ सकते हो। जबकि आइकनिक की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है जो कि तैयारी के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, तो इसमें भी आप आ सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको जो है आइकनिक के अंतर्गत, मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं सब आइकनिक के अंतर्गत आ जाती हैं। प्लस के अंतर्गत ये कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आती हैं जो कि तैयारी में ठीक है। अब जो है प्लस और आइकनिक पीछे आपने देखा, इसका फी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख लो, ये फी स्ट्रक्चर है प्लस का और ये फी स्ट्रक्चर है आइकनिक का। आइकनिक का 6 महीने का कोर्स नहीं है, वो 1 साल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये फी पे नहीं करना है, आपको पे करना है ये फी। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको BSP10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो खुद ब खुद 10% डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ भी सेम बात हो जाएगी, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 150 से ज़्यादा UPSC फैकल्टीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। तो जब आप अनअकैडमी पर आते हैं किसी भी कोर्स को करने के लिए तो आपको बहुत सारे फैकल्टी का रेंज मिलता है जिनसे आपको पढ़ना पड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह से। हमारा बैच 6 तारीख से यानी आज से ही एक स्टार्ट हो रहा है, 1 साल का और 2 साल का। 1 साल का जो बैच है वो PT का मेंस, पहले तैयारी करवाया जाएगा, फिर PT के लिए फोकस, फिर PT का एग्ज़ाम, फिर मेंस के लिए, इस तरह से सिस्टमैटिक बैच है। ये NCERT से स्टार्ट करवाया जा रहा है 18 तारीख से ही है। एक और बात मैं आपको जानकारी अभी दे दूं कि एक अभी मेरा क्लास, एक्चुअली कल हम लोग का क्लास था शाम को 5 बजे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी इसीलिए मैंने इस क्लास को नहीं लिया। उसी क्लास को मैंने 9 बजे लगा दिया है, अभी 9 बजे 9 AM पर हम लोग जस्ट 1 घंटे के बाद हम लोग इस क्लास को भी करेंगे, ठीक है। जो शाम वाला बैच होता था
एप्लीकेशन वाला वो यहाँ होगा, ठीक है। आज आज हो सकता है कि फिर 5 बजे और हो सकता है 2 बजे भी लूँ, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट 9 बजे हमारा क्लास है, आप यहाँ आ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर जब आप आते हैं तो आपको वीकली करंट अफेयर्स भी मिल जाता है, और जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सब आपको यहाँ कवर करवा दिया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ऑप्शनल के लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ आप ऑप्शनल का फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल फी में आपको अनअकैडमी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। इसमें भी आप BHP 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपका फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, वैसे तो ऑप्शनल की तैयारी करने में 1 साल लगता नहीं है, लेकिन आप 1 साल के लिए भी जुड़ते हैं तो मात्र 24,000 यानी 2,063 रुपये में आपकी 1 साल की तैयारी हो जाती है। जितने बार आपको पढ़ना है कोई भी ऑप्शनल आप कर सकते हैं। ये क्लास हमारा चल रहा है एप्लीकेशन पे, 9 बजे से इसका एक बैच अभी होगा, आप लोग ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। स्पेशल क्लास के फीचर्स क्या हैं? स्पेशल क्लास के बड़े जबरदस्त फीचर हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल क्वेश्चंस, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स आपको वहीं मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, आपको करना नहीं पड़ता है, आपको वहीं थोड़ी देर के बाद मिल जाता है। कभी भी इस तरह के क्लासेस को आप ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। लेट्स क्रैक इट।